I'm a dog. और से चलो और जरा और देखना सौ अपना हेलो विल्सन सेठ हेलो पूरा एक महीना हो गया मैंने तुम्हें 500 रुपए एडवांस दिए थे और तुमने मुझे एक बूंद भी दारू नहीं भेजा ऐसा कब तक चलेगा देखो मैन इतना गर्मी मत खाओ ये धंधा है धंधा में देर सवेर होता ही रहता है और फिर तुम्हारा फ्रेंड है ना हाँ फ्रेंड है हमारा तुम हमको एक बात बतलाओ पहले पुलिस जो था ना ये दारू सूंघकर आदमी को पकड़ता था अब आदमी को सूंघकर दारू किसे पकड़ लेता है पिछले 6 महीना यू नो 6 मंथ्स हमारा दारू का धंधा है अब सप्लाई बंद है एकदम बंद है काम डोंट यू वरी वो जगो और आदमी ना तुम्हारा दारू लेकर आता ही होगा जगो माल का क्या हुआ माल बॉस पकड़ा गया डैम फुल इडियट कुत्ते का बच्चा हो विल्सन आज रात को मेरा माल या मेरा पैसे मेरा घर पहुंच जाने चाहिए वरना वरना क्या वरना तुम लोगों का बंबई में धंधा करना मुश्किल कर दूंगा जगो हमारा माल निकलता है और पुलिस को मालूम हो जाता है मुझे ऐसा लगता है हमारे ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा है जो पुलिस को खबर दे देता है साहब कौन है वो मुझे भी ऐसा ही लगता है देख तो उसका पता लगाओ कौन है वो हरामजादा इंस्पेक्टर साहब मैं पुलिस में खबरी का काम करता हूँ पुलिस मुझे इनाम देती है वो तो ठीक है लेकिन इस धंधे में खतरा बहुत है पुलिस तुम्हारे साथ है कानून तुम्हारे साथ है फिर किस बात का डर लो पुलिस अपने साथ रहेगी तो जिंदगी भर मौत से लड़ते रहेंगे अच्छा सुनील पापा मेरा गिटार लाए नहीं बेटे वो नहीं मिला खुश है पपी देख मम्मी देखो पापा क्या लाए मम्मी देखो पापा गिटार लाए मत ला कर दीजिए ऐसी चीजें बच्चा बिगड़ता जा रहा है ले कौन बिगड़ता जा रहा जा बेटे अरे क्या बिगड़ता जा रहा है इतनी बड़ी दुनिया में एक बेटा है एक बीवी है बीवी की तो सब मानता हूँ बेटी की भी मान लेते ना क्या खाक मानते हो देखो दिन में भी शराब पीकर आए हो पूरे लोगों की संगत करते हो जुआ खेलते हो शराब पीते हो छोड़ दो ये हरकतें वरना एक दिन पछताओगे यार फिर वही भाषणबाजी जब घर में ये होता रहता है सारी दुनिया पीती है कोई नहीं पछताना मैं पछताऊंगा कोई नहीं पछताना सारी दुनिया पीती है Here are the cards. साहब पुलिस का खबरी अड्डे पर आया है कहाँ है गुड इवनिंग मिस्टर विल्सन वेरी गुड इवनिंग जगो पास ले आज ऐसे पत्ते बांटूंगा कि रामलाल का पत्ता ही कट जाए पत्ता कट जाए What do you mean? अच्छा उन दोनों को छुट्टी कर देना तुम गाओ पत्ते कहाँ है ला रहा साहब जगो ले आया साहब क्या यार अरे माफ कीजिएगा साहब आज तो अपने को भी चांस मिल गया आपके साथ साहब माल वाला है ना माल हाँ माल है साहब बिलाइन डालो माल को निकालो बहुत जल्दी करते हैं अच्छा ये लीजिए ब्लाइंड दिस ये मेरा चल 50 ब्लाइंड क्या बात है रामलाल शुरू में ही गर्म हो गए मेरे बाबू कह जाते हैं ये 100 की चाल फूट गए
श्योर। एक दो तीन। वाह। टू। लीजिए साहब। लगता है अब दोनों के पास बहुत अच्छे पत्ते आ गए हैं। दोस्तों की चाल में। मेरी भी चाल। क्या कर रहा है? अबे रामलाल शो करवा ले नहीं तो मारा जाएगा। तू करा ले नहीं तो ऐसा मारा जाएगा कि नजर नहीं आएगा, समझा? ये बात है विल्सन सेठ, जरा 1,000 रुपया उधार देना, अभी वापस देता हूँ। नो नो नो, आई एम सॉरी, हम जुआ खेलने के वास्ते किसी को लोन नहीं देता। नो उधार प्लीज, नो नो। विल्सन सेठ, पत्ते तो देखो। व्हाट्स दैट? अबे क्यों उधार लेके फंस रहा है? तीन इक्के मेरे पास। हाथ नहीं लगाना रामलाल, मेरे पास भी तीन इक्के हैं। अरे एक गड्डी में 6 के कहां से असला बेमानी करता है? चीटिंग तूने की है। तेरी चोक। रामलाल ने खून कर दिया। तुम सब चुप क्यों हो? पुलिस को खबर होना चाहिए, पुलिस को खबर होना चाहिए। हम साथ ही जाएंगे ना? क्या हुआ पापा? क्या बात है पापा? पापा मेरे हाथों श्यामलाल का खून हो गया। मैंने हमेशा आपको मना किया था, आपने कभी सुना नहीं। रामलाल खोलो। समझो सर। रामलाल कहाँ? बताइए रामलाल कहाँ है? उसने फूल किया साहब, वो पीछे के दरवाजे से भाग गया होगा। पापा बोलते सुने, पापा पापा बोलेगा, पापा पापा अब चुप क्यों है? पापा पापा बोलिए ना, पापा पापा बोलिए ना, पापा 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 क्या हो पापा? भाई साहब, पापा भाई साहब, पापा दिल का मरीज हूँ। फिक्र मत कीजिए, अगले सीजन में आपको डॉक्टर पास ले चलता हूँ। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, आप मेरी बच्ची को संभालेंगे ना? मैं तो खुद ही मैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसके लिए बहुत पैसा और जायदाद छोड़ कर जा रहा हूँ। जायदाद के सब डॉक्यूमेंट पैसा इस बैग में है। आप संभालेंगे ना? आप आखिर संभालेंगे ना? संभालूंगा। बच्चा बच्चा पापा क्या हुआ? पापा 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 को क्या हुआ? सुन मत, आज मैं तेरा पापा हूँ।
कितनी बरता का मोटरसाइकिल में चलाया कर? कितने डरपोक हो अंकल। अरे जरा शिमला से बाहर निकल के देखो, मेरी उम्र की लड़कियां हवाई जहाज चलाती हैं और तुम मुझे मोटर बाइक चलाने नहीं देते। फिर वही बात, डरते क्यों हो अंकल? मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये बदन स्टील का है, एक मुक्का मारोगे तो ईंट भी तोड़ सकती हूँ। तोड़ के दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं, इतने ही काफी है, इससे पहले घर का काफी सामान तोड़ चुकी है तू। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ पहले मेरी सुन, जल्दी बोलो, मुझे बॉम्बे जाना है, डांस कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस करनी है। अरे मगर पहले मेरी तो सुन। ओ, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। देख बम्बई में कार डीलर है सुभाष इंदौरी, उसको कांटेक्ट करना, वह गाड़ी देगा, उससे चला कर लाना, मगर संभाल कर, किसी के सर पे थोड़ा के मत आना। इतने हंसने चलाऊंगी कि बैलगाड़ी भी मुझसे आगे पहुंच जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, सोच रहा था कल ईशा बंबई जा रही है, वो शहर जहां मुझसे मेरी बीवी और मेरा बेटा खो गए थे। लाख तलाश के बाद उनका कोई पता नहीं चला। आज मेरा बेटा जवान हो क्या होगा, जाने कहां होगा वह वक्त। तेरी तलाश है। आए
देखता हूँ कोई लड़की हसी, सोचता हूँ कहीं वही तो नहीं। पूछे बिना चली आती है जो, दिन खुले तो चली जाती है जो। खाबों की रानी जाने जा कब से तेरी तलाश है। किस्सा इतना है वो एक फितना है, लाखों में एक है। अरे सूरत क्या कहने, मुस्कान पहने सीरत से नेक है। किस्सा इतना है वो एक फितना है, लाखों में एक है। अरे सूरत क्या कहने, मुस्कान पहने सीरत से नेक है। आहों की रानी जाने कब से तेरी तलाश है। आहे देखता हूँ कोई लड़की हसी, सोचता हूँ कहीं वो ही तो नहीं। पूछे बिना चली आती है जो, नींद खुले तो चली जाती है जो। आबों की रानी जाने कब से तेरी तलाश है। बातें पर बात वो ना बने, अरे दिल उसको दूंगा जो दिल से दिल की बातें कहे सुने। यूं तो लाखों से होती है बातें पर बात वो ना बने, अरे दिल उसको दूंगा जो दिल से दिल की बातें कहे सुने। खाबों की रानी जाने जा कब से तेरी तलाश है। देखता हूँ कोई लड़की हसी, सोचता हूँ कहीं वो ही तो नहीं। पूछे बिना चली आती है तो, नींद तुले तो चली जाती है तो। आबों की रानी जाने जा कब से तेरी तलाश है। अरे आबों की रानी जाने जा कब से तेरी तलाश है। तूने अपने बेटे को ऐसी हिम्मत से पाला है, उसे रोना आता ही नहीं, हमेशा खुश रहता है। जेब खाली हो या नोटों वाली हो, पेट में रोटी हो या अंदर भूख सोती हो, हमेशा खुश रहता है। मगर आज तू ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। तो कमाल हो गया माँ, मुझे पहले नहीं मालूम था कि मैं इतना बड़ा सिंगर हूँ। मैंने स्टेज पर क्या गाना गाया, पब्लिक का बैंड बज गया, 2000 लोगों ने एक साथ मुझे गले लगाया। कोई हाथ मिला रहा था, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था, कोई फोटो उतार रहा था, मुझे सर पर उठाकर गणपति महाराज की तरह पूरे कॉलेज में घुमाया।
भगवान तुझे जिंदगी के हर मोड़ पर खुशियाँ देता रहे, सुख देता रहे। और मैं खुशियों और सुख से माँ के दामन को भरता रहूंगा। माँ अब तो मैं गाना गाने की नौकरी ढूंढूंगा। ए हमीद की गाड़ी चला चला कर मैं तंग आ गया हूँ। भगवान तुझे अपने मकसद में कामयाब करे। मगर हमीद है कहाँ? हमीद दिल्ली में है, आता ही होगा। हाय कितना खूबसूरत है, हाय कितनी हंसी आता है, हाय क्या स्टाइल है। बर्बाद यार, क्या मर्दाना सीना है, वाओ। अरे बाजू भी तो फाला दिए। जियो राजा जियो, हजारों साल जियो। बस बस तो मरी जा रही है। अरे ये तो मरने की चीज ही है, मैं क्या, हजारों लड़कियां दीवानी हैं। ठीक है ठीक है, अगर वो तेरे सामने आके खड़ा हो जाए, करीब बिल्कुल करीब, फिर क्या करेगी? अरे मैं तो पागल हो जाऊंगी, बड़े प्यार से उसके मजबूत बाजुओं पर हाथ रखकर कहूंगी, डार्लिंग हम तो दीवाने हो गए हैं। लीजिए मैं आ गया आपके करीब। कौन है ये? मजबूत बाहें भी है। कहां से आ गया? तो मैं क्या करूं? बहुत प्यार से मेरे दिल पर हाथ रखकर कहूं, डार्लिंग। डार्लिंग के बच्चे आए, हाय अपने आप को विनोद खन्ना से मिला रहा है। आया नहीं देखा ना, मैं दिखाती, अच्छी तरह दिखाती। हाय हमीद। क्या हुआ? क्या बताऊं दोस्त, आज जो मेरे साथ हुआ है ना, अल्लाह मियां किसी दुश्मन के साथ ना करे। लेकिन हुआ क्या? कंपार्टमेंट में कुछ लड़कियां मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी यार। हाँ। उनसे जरा हंसकर क्या बात की, जो धुलाई की, जो धुलाई की, क्या बताऊं। कौन है वो? आ, 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 वो देख पिंकली है ना, पिंकली। कुली। हाँ, सुनो अंदर से सामान निकालो, हमको हॉलिडे इन जाना है। दो टैक्सी है, चला ले। दो टैक्सी क्यों? एक तेरे लिए, एक हमारे लिए। चलना। जी बाबा, हम तो यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए। पता नहीं कब आएगा ये राजू गाइड, घंटे भर से इंतजार करवा रहा है। आए नहीं राजू गाइड? नहीं यार। ओ गॉड, देखना यार, माँ बाप ने खिला पिला के इतना मोटा किया और अब ये राजू गाइड इंतजार में पतला कर देगा। चलो गाइड की क्या जरूरत है, हम खुद ही बम्बई घूम आते हैं। ना बाबा ना, इतना बड़ा नया शहर है बम्बई, कहीं मैं घूम गई तो। हाथी जंगल में नहीं घूमता, और फिर ये तो इतना बड़ा शहर है। क्या बोली थी? तुमने देखा यार, हाथी बोलती है, खुद तो एक ककड़ी जैसी। मम्मी बेटा प्लीज कम आप लोगों ने मुझे बुलाया, एक घंटे पहले आपको राजू गाइड के लिए कहा था, अभी तक नहीं आया, कब आएगा वो? राजू राजू राजू, कहाँ मर गया ये राजू? आप लोग घबराइए नहीं, आता ही होगा आपका राजू गाइड। One and two and I love you, I love... Me too. What? Excuse me, आप ही राजू गाइड हैं? जी हाँ, बम्बई का पत्ता पत्ता बूटा बूटा नाम हमारा जाने हैं और हम सबको पहचाने। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई। कहिए आप हॉलिडे इन से आउट कब जाना चाहते हैं, कल परसों या अभी? अभी तो मेरी खूबसूरत लड़कियों से अपॉइंटमेंट मालूम है, लेकिन एक बात सुनिए। लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट का क्या कुछ होगा? नहीं होगा। आइए। आप मुझे इस रूम में क्यों ले आए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजू साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर आपके साथ मैं कोई बदतमीजी करूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो, आपकी सेवा के लिए राजू हाजिर है। राजू? जी हाँ, इस नाचीज का नाम राजू गाइड है। तुम इतनी देर से क्यों आए? देखिए मैडम, मैं बड़ा इज्जतदार आदमी हूँ, राजे महाराजे रानी महारानियों ने कभी मुझे तू या तुम नहीं कहा, आपका। अगर आप भी मुझे आप पुकारे, आपका एहसान होगा। क्या ख्याल है आपका? ख्याल? आप इतनी देर से क्यों आए?
इस आपसे तो बाप की महक आती है। फॉरगेट इट, आप मुझे तुम ही कह लीजिए। रही देर से आने की बात, वेल देर से आना मेरी आदत है। तो दुनिया में भी आप देर से ही आए होंगे। वाह, दैट्स अ पॉइंट। आप लोगों की महफिल अच्छी लगी, इसलिए अब देर से नहीं बल्कि वक्त से पहले आऊंगा। चलिए, बंबई की खूबसूरती आप लोगों का इंतजार कर रही है। चलो। What a place! लो, देख लिया आपने मरीन ड्राइव? अब कहाँ चलना है? अभी हम सब लोगों को जू लेके चलो। हाँ, मैम साहब, मैं जू से और अच्छी जगह दिखाता हूँ। अच्छा, और अच्छी जगह? चलो 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 जल्दी चलो। आइए। अरे, यहाँ तो किसी की शादी हो रही है। यही तो मजे की बात है, ये शादी है भी और नहीं भी। क्या मतलब? मतलब मैं क्या बताऊँ, खुद ही अंदर चलकर देख लीजिए। लेकिन बम्बई में सिर्फ आप ही वो खुश नसीब है जिन्हें मौका हासिल हो रहा है। मिनिस्टर तक को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आज ये आप शिमला तक मेरे ही गुंजाती जाएंगी। चलो। दिया जाए के मार दिया जाए। छोड़ो। बोल तेरे साथ। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, स्टॉप इट। छोड़ के मार दिया जाए। जाने दो। बोल तेरे साथ क्या सोलो किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सोलो किया जाए। आई बोल तेरे साथ क्या सोलो किया जाए। हाय, ऐसा कोई शादी में तुम्हारा क्या काम है? हमारी शादी में तुम्हारा क्या काम है? जो है बीच वाले उनका भी बड़ा नाम है। जो है बीच वाले उनका भी बड़ा नाम है। फिल्म में न चालो, हाय 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 हाय। फिल्म में न चालो, फिल्म का क्या काम है? फिल्म में न चालो, फिल्म का क्या काम है? हमारी शादी में तुम्हारा क्या काम है? देखो
कोई नहीं कोई नहीं। क्यों रो रहे हो? मुझे माफ कीजिए, मुझे जाना है। जाना है, हमारा भी दस्तूर निभाना है ना। वैसे नहीं, वैसे नहीं। तुम्हें गाना आता है, नाचना आता है? कौन सा कौन सा? वेल वेस्टर्न भरतनाट्यम। भरतनाट्यम? अरे वाह। तुमको यहाँ भरतनाट्यम नाचना होगा? यहाँ अभी? हाँ। लेकिन नाच चुप चुप। अरे ओ रेखा, देख रेखा। यदुवंश सुदाम बुद्धि चंद्र, यदुवंश सुदाम बुद्धि चंद्र, स्वामीरारा, अयो स्वामीरारा, कृष्णा स्वामीरारा, क्या रे स्वामीरारा, नारी जनमानस तोरा, नारी जनमानस तोरा, नारी जनमानस तोरा, नारी जनमानस तोरा, सुदाम सुदाम बुद्धि चंद्र। अरे नहीं, अरे नहीं, तू कहाँ मर गए तू? चल ढोल उठा। नकली गाइड को असली मजा चकाते हैं। चलो देविया, मुझे तो खोल जाओ। देविया क्या समझता अपने आप को? तो बनाता एक तो इतना धोखा मारा मेरे को, देखो अभी तक भूख लगी लिया। चल खोल दाल से उसकी। हाँ यही है, चल खोल दे इसको। छोटे बाहर के ये हवा निकालो, पीछे निकालो। अरे वो लोग ले लिया तुमकी गाड़ी का पैर। तो जल्दी जल्दी
अरे ये भी निकल गया। अरे तोड़ने दे यार, ओह माय गॉड, क्या हुआ? तेरी गाड़ी, या अल्लाह, मैं ग्राहक को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मेरी गाड़ी को? तेरी गाड़ी अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह? हाँ क्या है? हाय, धंधा कैसे चल रहा है? कितना ब्यूटीफुल रिंग है। ये तो मैं तुम्हें खरीद के दूंगा। हमारे होने वाली देंगे, लेकिन तेरे होने वाली जीजाजी कब आएंगे? अभी आते होंगे हाथी पे। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को जरूर मिलने आना। बहुत तड़का हो गया, खारा पीने को लग गया। डैड देखो तुम्हारी विस्की का बंदोबस्त कर दिया मैंने। रॉबिन्सन, माय सन, तुमको कई बार बोला है पॉकेट मारो, लेकिन ये पॉकेट घर में नहीं लाओ, किसी को मालूम पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा अपना। और रिलैक्स डैडी, ये क्या? माय गॉड, देखो देखो देखो, ये रामलाल ही है ना, इसने बरसों पहले हमारे अड्डे पर एक आदमी को मार डाला था और पीछे फरार हो गया था। अरे कौन फरार हो गया? देखो रॉबिन्सन बेटा, ये आदमी है ना, इसका बीवी और इसका बेटा सुनील इधर बम्बई में रहते हैं और ये रहता है शिमला में, बहुत ऐश कर रहा हूँ। तुम तो अच्छी तरह पता लगा, ये लड़की है ना, ये लड़की कौन है? ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। अरे खूबसूरती को मारो गोली, तुम हमको अच्छी तरह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो कि आदमी क्या करता है क्या नहीं। और सुनो, तुम ये करो, इसके पीछे हम इसको बड़बड़ करेगा, अपना पूरा चक्कर चलाएगा। अरे सनी सनी, क्या यार, उन लड़कियों जो हमारी गाड़ी की माँ क्या की थी ना, तुम तो शो है तो क्या करना है? तकिया कलाम, यू मीन उनका बैंड बाजा बजाना है? राइट, डन डन। आंखें हैं मैं खाना,
मैंने सब पता लगा लिया है। ये लड़की उसके दोस्त की बेटी थी और अब ये उसे अपनी बेटी समझकर पाल रहा है और शिमला में उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, सेठ मनोहर लाल, और वहां पर ये एक करोड़पति सेठ बन गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो रॉबिन्सन, इसने एक आदमी का खून किया था और पुलिस से भाग कर अब ये शिमला में बैठ गया, करोड़पति बन गया है। कोई बात नहीं, हम भी कुछ लेकर दोनों लखपति बन जाएंगे। आप उसे ब्लैकमेल करेंगे? ब्लैकमेल? वाइस सन ऑफ ए वाइस फादर। ओह डैडी, यू आर जीनियस। कैन आई हैव योर ड्रिंक? आफ्टर ड्रिंक ब्रेक द ग्लास फॉर लक सेक। ब्रेक इट। या ये क्या है माँ? कुछ नहीं बेटे, आज पहली बार तुम मुझसे दूर जा रहा है। तो क्या हुआ, थोड़े दिनों की तो बात है। मुझे नौकरी पसंद आ जाए, अच्छा सा घर मिल जाए, तुम्हें भी वहां बुला लूंगा। ओके ओके। सनी चलेगा, गाड़ी छुट्टा हो गया। अच्छा मैं देखो बेटे, मैंने तेरी पसंद का खाना साथ में दिया है, वही खाना। अच्छा। और हाँ, रास्ते में खरीद कर मत खाना। अच्छा माँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना। ठीक है। और हाँ, जाते ही खत लिखना। ये भी कोई कहने की बात है माँ। हमीद। माँ मैं आया। गाड़ी रोको, अगर रास्ते का पुल टूट गया है आपको यहीं ठहरना होगा। यहाँ कहाँ ठहरेंगे? ये पास में होटल है। ओके। खाना वाना मिलेगा? हाँ सब कुछ मिलेगा। हाँ,
देख गया ना, अभी इसका रेडिएटर भी फट गया है, अब तो शिमला ही जाके ठीक होगा। हाँ क्या अब क्या करेंगे, ठीक है किसी ड्राइवर को भेज के गाड़ी मंगवा लेंगे। मैनेजर 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 किधर छुपा रहे, निकल बाहर। मैनेजर मैनेजर क्या बात है, कौन हो तुम? आई एम द मैनेजर। क्या चाहिए? कमरा चाहिए। कोई कमरा खाली नहीं है तो खाली करवाओ। अरे लोग मरे हुए हैं, बाहर निकालो। अरे मैंने कह दिया ना कि कमरा खाली नहीं है। अबे ओए अपनी खिड़की संभाल, ये घड़ी घड़ी खोल बंद क्या लगा रखा है? अरे अपनी आदत है। हाँ? आदत के बच्चे, तेरे दोनों खिड़की फोड़ दूंगी। मेरे फड़कते आपके राजा, अब सीधे लाइन पे आ जा और हमें कमरे का नंबर बता जा। अरे देवियो आपको समझा है ना, कोई कमरा खाली नहीं है। इसका भेजा खाली है, कमरा कैसे खाली नहीं है? कमरा खाली है। हाँ है, मुझसे बात कीजिए बांके बिहारी पटने वाले से, ये पटने वाला नहीं है। अरे मगर कौन सा कमरा खाली है? 3, 13, 9, 18। आप लोग हो जाइए मेरे साथ, 9, 2, 11 आइए। You idiot! I'll kill you! You rapist! Manager! Get out! Get out from here! Manager! 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 क्या बात है मैडम, क्या तकलीफ है आपको? कैसा होटल है तुम्हारा? लड़कियों के कमरे में गैर मर्द घुसाते हैं। मर्द? जी हाँ मर्द। मेरे बाथरूम में से एक मर्द निकला है नंगा, टॉवल लपेट के। मैं भी पुलिस को फोन करूंगी। नहीं मैडम, इस होटल की इज्जत का बाजी पाला हो जाएगा। It's not my problem. I know it is my problem. ये बाकी बिहारी is my problem. सब चाबी अपनी जेब में रख के किसी को भी किसी भी कमरे में डाल देता है। आप आइए, आप आइए, आपको सही कमरा बता देता हूं। ऐसे 4-5 लड़के हम पैदा हो जाए तो एटम बम की क्या जरूरत है। बांके स्पीकिंग। यस सर। अबे क्या करता है? अरे लोगों को मुंह पोछने के लिए तौलिया नहीं है, तुम तौलिया लपेट के घूम रहे हो। तौलिया दे साले। एक तो 420 करता है, ऊपर से होशियारी दिखाता है। 420 ना करूं तो क्या करूं, तनख्वाही 120 है और वो भी नहीं मिलती। ये क्या बकबक करता है, एक ही कमरे में दो दो कस्टमर को ठहराता है। अरे बाके बिहारी पटने वाला ऐसा करे तो मरने के बाद उसे खाना ना मिले साहब। तो वो लड़की निशा मेरे कमरे में कैसे आई? नशे में होगी। व्हाट? होगी नशे में, आगे अच्छा हुआ। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां से निकल भागा, वरना मेरे टुकड़े टुकड़े करके कौओं को खिला देते। नहीं नहीं मैं कस्टमरों को खिला देता। What? नहीं नहीं मैं आपको शाही कमरे में ठहराता हूँ। आइए। क्या ढूंढ रहे हो? कमरे में से ऐसे ही आए हो तौलिए लपेट कर या तौलिए? कुछ नहीं। क्यों नहीं? चलो चलो ठीक है, आ जाओ शाही कमरा। La 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 la. मैडम क्या तकलीफ है आपको? मेरे सारे कपड़े गायब हो गए। अरे कैसे? आई डोंट नो। ये क्या है? ये कपड़े हैं। अगर ये कमरा आपका होगा तो ये कपड़े भी आप ही के होंगे। व्हाट इज दिस? ये तो आप लोग पहन दिए। एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरी गाइड। मेरे कमरे से लुच्चा लफंगा रेपिस्ट। मैडम मैडम आप अगर ये इस तरह मारामारी करती रहेंगे ना तो मेरे होटल का नाम बदनाम हो जाएगा। मैं ये होटल बंद करवा दूंगी, ताले लगवा दूंगी। कमरों के तो ताला नहीं, आप होटल को ताला लगवाएंगे। शट अप।
ये सब शरारत उस बांके लाल की होगी, वो पंकज। अब पंकज, पंकज लाल, पंकज लाल मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम बांके बिहारी पटने वाला है। ठीक है मिस्टर बांके बिहारी पटने वाले, यस। मुझे एक बात बता दो, मिस निशा के रूम में मिस्टर सनी का सामान कैसे पहुंच गया? ये क्या गड़बड़ है? ये सब तेरी गड़बड़ है झपकू। मैं जहाँ निशा को ठहराता हूँ तू वहाँ सनी को ठहराता है, जहाँ मैं सनी को ठहराता हूँ तू वहाँ निशा को ठहराता है। तुम कौन होते हो इस होटल में किसी को किसी भी कमरे में ठहराने वाले? तुम कौन होते हो एक कमरे में दो को ठहराने वाले? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, मैं इस होटल का नौकर हूँ। मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, मैं तुम्हें यूनियन से निकलवा दूंगा, मैं यूनियन का मेंबर हूँ। कार्ड की तरह, कार्ड की तरह। मुझे तुम धमकी दे रहे हो? दे रहा हूँ क्या? तू मुझे टिप दे रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जा, क्या एक आंख से देखेगा तू मुझको? अरे छोड़ रहे, मेरा कमरा। तुम्हारा कमरा? हाँ तुम्हारा कमरा। तुम्हारे कमरे की चाबी? हाँ ये है, ये है। वहाँ कोई लड़की दिखाई तो नहीं देगी ना? नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। पक्का? एकदम पक्का, वहाँ पर लाइट ही नहीं है। वेटर, वेटर इज स्पीकिंग। ये कैसा होटल? मुझे एक रूम चाहिए। ना काउंटर में मैनेजर है, ना कोई वेटर है, ना कोई लिफ्ट चलता है, ना कोई टेलीफोन चलता है। यहाँ पर क्या चलता है? यहाँ सिर्फ मैनेजर की आंख चलती है। यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। सुनिए, यहाँ पर ये चलता है? नहीं, इस साइज का नोट चलता है? अरे तो दौड़ता है। मैं अभी बंदोबस्त करके आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। अरे बड़ा पसीना आ रहा है आपको? अरे मैडम, कौन हो तुम? आप ठीक तो है ना? हाँ हूँ। वो यहाँ आया तो नहीं? कौन? वही भूत। भूत? कहाँ है भूत? किधर है? बताओ प्लीज। जब आप इतना दबाव डाली रही हैं, तो पता नहीं होगा, जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर गए थे तो इस कमरे में एक अंग्रेज भूत छोड़ के गए थे, मगर वो बड़ा शरीफ भूत है। शरीफ है तो क्या हुआ? भूत तो भूत है ना? नहीं, वो ऐसा भूत नहीं है, बड़ा डिसेंट जेंटलमैन भूत है। पहले वो इस कमरे में आता है, आधी रात को गुसल खाने में जाता है, नहाता है, पवित्र होता है, फिर उसके बाद इस पवित्र अग्नि के सामने बैठकर वो हिसाब किताब लगाता है कि उसने अपने जमाने में कितनी लड़कियों का कत्ल किया था। और हिसाब किताब लगाने के बाद इस दीवार में गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? तो मुझे भी गायब कर दो, मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगी। अभी होटल में और कोई कमरा तो है ही नहीं। मैं मैदान में सोऊंगी। नहीं, हाँ। नहीं, मैदान में तो गोल्फ खेलता है। गोल्फ भी खेलता है? प्लीज बाकी बिहारी पटने वाले पट जाओ, मुझे भी एक कमरा दे दो। प्लीज एक कमरा दे दो। मैं पटपटा रही हो तो पटना ही पड़ेगा, मगर बात ऐसी है कि मेरा कमरा और आप, मेरा कमरा कुछ भी चलेगा। बाकी चलेगा? अरे तो आइए चलो। अरे यार गाड़ी होती तो मजा आ जाता। अरे यार गाड़ी की फिक्र छोड़, वो मैकेनिक ले आएगा ना, किसी तरह शिमला तो पहुंचे। ए डब्लू, पांच टिकट है शिमला की। कितनी टिकटें बस में? 40। ये लो पैसे, 40 टिकटें हमारे लिए बुक कर दो। पर 5 टिकटें तो कुछ लड़कियों ने ऑलरेडी बुक कर ली है। कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी टिकटें हम खरीदते हैं, समझे? चलो लड़कियों। अरे 40 टिकट। कंडक्टर साहब जी, एक टिकट शिमला का। ऑल टिकट सोल्ड आउट, एक भी नहीं है। एक भी नहीं? अच्छा, दूसरी बस कब जाएगी? दूसरी बस तो अब कल ही जाएगी। कल? हाँ, लेकिन ये बस तो खाली दिख रही है। वो मैम साहब ने सारी टिकटें खरीद ली हैं। अब आपको शिमला जाना है तो उस मैम साहब को पता लीजिए। पता नहीं, जाके पूछेंगे। कौन सी पिक्चर लगी है? मैं तो 4 बार देखूंगी। Excuse me, निशा जी, एक टिकट शिमला का मिलेगा? मैं बस कंडक्टर नहीं हूँ, कंडक्टर से पूछिए। लेकिन आपने तो पूरी बस बुक कर लिया है, कंडक्टर क्या करेगा? एक टिकट दे दीजिए, मेरा आज शिमला जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। वो देखिए, आपका भाई वहाँ बंधा हुआ है। वो सवारी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, हंसते खेलते हुए सीधे पहुंच जाएंगे, ना ब्रेक फेल होने का डर, ना पंचर होने का। थैंक यू वेरी मच फॉर द आइडिया। मोस्ट वेलकम। एक
नहीं कनेक्टर, बस कब जाएगी? मैम साहब अभी तो पानी डाला है, गाड़ी गर्म हो जाती है, गाड़ी ठंडा होने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। मैड फेलो। ए भाई कहता बाजू हटा, बाजू हटा। गला पीछे हटा भाई। हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा, है मैं नीचे आना। आजा जो मुझे तू ही आजा, हाथ ले आ। किधर गदा नहीं हटाऊंगा, आजा। टक्का दे। जय बजरंग बली की। अरे मेरे बाप, रास्ता छोड़ दे, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। सरदार जी आप जाइए, हम लोग देख लेते हैं। मिस्टर सानी, मिस्टर सानी। हाँ, जब सर पे बनी तो मिस्टर सानी। हाँ प्लीज हटाइए ना इसको, हम लड़के इस जंगल में फंसी रही तो आपको क्या अच्छा लगेगा? और उस उजड़े हुए बस स्टॉप पर मुझे टिकट ना देकर मेरे भाई के साथ चलने के लिए मजबूर किया था, वो अच्छा लग रहा था आपको? हम उसके लिए माफी मांग लेते हैं, सॉरी। मुझसे नहीं, निशा से कहो कि हाथ जोड़कर अपने होने वाले देवर से माफी मांगे। I'm sorry. आपका होने वाला देवर इंग्लिश नहीं समझता, हिंदी समझता है। हिंदी में बोलिए और जरा प्यार से बोलिए। अच्छा बाबा माफ कर दो बस। ओके ओके ओके। उफ, वक्त पे गधे को भी बात बोलना पड़ा, देखा? कितने भी तुम कर लो सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। कितने भी तुम कर लो सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम हो सनम, तेरी कसम सनम, तेरी कसम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम हो सनम, तेरी कसम सनम, तेरी कसम। ऊपर है वो, नीचे उसको बताती हूँ मैं अभी, बस सोचता ही नहीं आपको। जितना तड़पाए थी मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी। जो बात है आरज़ू मेरी वो कल तेरी आरज़ू हो। इतना तड़पाए मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी। जो आज है आरज़ू मेरी वो कल तेरी आरज़ू होगी। ये झूठ नहीं सच है सनम सनम, तेरी कसम ओ सनम, तेरी कसम सनम, तेरी कसम। पानी लो पानी। हुँ।
रब से देखना पहले अंदाज प्यार कहे ये कुछ है आंखों का रिश्ता गुस्सा इकरार कहे ये नफरत से देखना पहले अंदाज प्यार कहे ये कुछ है आंखों का रिश्ता गुस्सा इकरार कहे ये बड़ा प्यारा है तेरा जुल्म सनम तेरी कसम तो सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम कितने बिदबल सितम हंस हंस के सहेंगे हम कितने बिदबल सितम हंस हंस के सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम ध्यान मत दो बस रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको सरदार जी उस लोफर को नीचे उतार पापा जी कहिए मैं आपके साथ हूँ यमोरे क्या बता कितने हो पापा इसी के अंदर होगा इसी के अंदर निकल 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 ओए निकल निकल पापा ये मेरे कितने हो चल चल इसी के अंदर चल निकल ओए भाई मार यार पापा मेरे क्यों मार रहे चल चल निकल इसी के अंदर चल निकल 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 वो दो हाँ ड्राइवर और कंडक्टर आपस में लड़कर बेहोश हो गए हैं क्या अब ये खटारा मुझे ही चलाना पड़ेगा अंकल अरे निशा कैसी है तू बिंदास टॉप ऑफ द वर्ल्ड अंकल बॉम्बे में क्या शहर है क्या लोग हैं हम भी वहां एक मकान लेंगे नहीं बेटी बॉम्बे में नहीं क्यों बेटी मेरी बॉम्बे से पुरानी यादें वाबस्ता हैं मैं वहां नहीं जा सकता मगर क्यों अरे तू अभी तो आई है जा पहले मुंह धो फिर बताओ चल अच्छा साहब साहब आपसे कोई मिलने आया है बुलाओ कौन है नमस्ते जी यस yes? आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया था हाँ बैठो थैंक यू सर सर्टिफिकेट से तो पता चलता है कि गाने में काफी माहिर हो लेकिन हम तुम्हें ट्रायल बेसिस पर रखेंगे हाँ? अगर काम पसंद आया तो परमानेंट कर लेंगे आप जो कहें मुझे मंजूर है Hello. Mr. Manohar Lal. Speaking. Call from Bombay. Please hold on. Yes, I'm holding the line. Uncle. आप? अरे बेटी, ये हमारे नए सिंगर हैं मिस्टर सनी 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 आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ प्लीज प्लीज क्या कर तकिया नीचे प्लीज एक ग्लास पानी मिलेगा मिलेगा विल्सन यार विल्सन कौन विल्सन मैं किसी विल्सन को नहीं जानता मेरा नाम मनोहर लाल रामलाल नहीं है ओहो देखो अगर तुम रामलाल होता ना तो हम तुमको बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला तुम्हारे बेटे के वास्ते बेटा मेरा बेटा तुम्हारा बेटा सुनील विल्सन सुनील मेरा बेटा है कहाँ है वो अब जब तुम रामलाल ही नहीं आए तो तुम सुनकर क्या करेंगे ओल्ड मैन नहीं विल्सन मैं रामलाल हूँ तुम रामलाल आए तो सुनो तुम्हारा बेटा हमारे पास है हमारे घर में है तुम अगर बोलो तो हम कल मॉर्निंग में इधर से स्टार्ट होकर तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास ला सकता है प्लीज प्लीज विल्सन
मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूँ। गुलामी गुलामी क्या बोलता मैन, हम तुम्हारा दोस्त है, हम दोस्त के वास्ते सब कुछ कर सकता है। हम उसे लाएंगा, तुमसे मैं लाएंगा और तुम बहुत खुश हो जाएगा मैन, बहुत खुश हो जाएगा। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू। क्या हुआ सर जी? कुछ नहीं बेटा, तुम इस घर में बहुत मुबारक कदम लेकर आए हो। तुम आ गए, आज मुझे मेरा बेटा मिल गया, बहुत मुबारक कदम लाए हो तुम बेटा। थैंक यू। कोई नहीं है, मार्लिन मोनरो बेचारी मरने के बाद भी बिक रही है, बिक जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी तस्वीर मेरी जेब में कैसे समाएगी? हैंडल ब्लेसिंग इन डिसगाइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कौन है? अरे सैमी डार्लिंग। यहाँ क्या कर रहा है? वही नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी। उधर का होटल तो चोरी करके बर्बाद कर दिया। अरे बर्बाद तो उस होटल ने मुझको किया था, मैं इस होटल को आबाद करने आया हूँ। चोरी से तो मैंने कान पकड़ लिए हैं। कान मत पकड़ो, नहीं तो खुदा कान चुरा कर जेब में रख लेगा। खुदा की भी जेब होती है। सच कहता हूँ, मैंने चोरी से कान पकड़ लिए हैं। लेकिन बांके, तुम्हें यहाँ नौकरी कैसे मिली? छोकरी मतलब? वही अपनी चुलबुली, वही अपनी गुलगुली। मैंने उसको मस्का लगाया, उसने निशा को मस्का लगाया, निशा ने अपने अंकल को मस्का लगाया, यहाँ तक कि उस मस्के से फिसलता फिसलता तुम्हारे पास चला आया। हेलो। लेकिन यहाँ किसी चीज पर हाथ सफा मत करना। ये क्या है? ये क्या है? ये हैंडल है। यहाँ पर मास्टर की नहीं होती है, यहाँ मास्टर हैंडल होता है। नहीं, यहाँ पर मास्टर है, वहाँ पर हैंडल है। सॉरी, आज एक ही चोरी की है, अब आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा। और ये क्या है? ये तो लेडीज टोपी है। छुपा ले यार इसको, लेडीज टोपी है। हाय विल्सन, मेरा बेटा कहाँ? बतलाता हूँ रामलाल, बतलाता हूँ। बताओ ना कहाँ है? मनोहर लाल। तुम मेरे बेटे के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ, तुम्हारा बेटा इधर ही है, इधर ही है। और मेरी पत्नी? यही एक पॉइंट गड़बड़ का है, हम उसको कई बार बोला, माय डियर बॉय तुम्हारा मदर किधर है? नहीं बतलाता। वो पिछले 20 साल से तुमको डिसलाइक करता है, हेट करता है। हमको याद, हम एक बार तुम्हारा नाम उसके सामने लिया तो मेरे को काटने को, काटने को। फिर उसे मैं क्या करूं? माय फ्रेंड, हम तुमको प्रॉमिस देता है कि हम एक बार तुम्हारे बेटे को तुमसे जरूर मिलवाएंगा, डेफिनेटली मिलवाएंगा, लेकिन तुम उसको ये नहीं बोलेगा कि तुम उसका बाप है। ठीक है, नहीं बोलूंगा। That's good. Come on. हाँ चलो। अंकल, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं जरा लेट हो गया, हम इसको इधर लेकर आया है। ये इधर का बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा होटल है इसका। हम इसको रिक्वेस्ट करके इसके होटल में तुम्हारा नौकरी पक्का कर लिया है। रियली? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेटा जे, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो ना, इसलिए मैं ये चाहता था कि तुम अपनी माँ को चिट्ठी लिख दो कि तुम्हें नौकरी मिल गई है, वो भी यहाँ आ जाए। सेठ जी, अगर आप मुझे इस शर्त पर नौकरी दे रहे हैं कि मैं अपनी माँ को यहाँ बुला लूं, या फिर अपने बाप का नाम आपको बता दूं जिससे मैं जिंदगी भर नफरत करता रहा, तो ये सब मुझसे नहीं होगा। ये शर्त मुझे मंजूर नहीं, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। अंकल, मेरा ख्याल है कि मैं आज ही वापस चला जाऊं। नो, सुनील, डोंट डू दैट। दैट्स अ रीजन तुम्हें आज तक कहीं पक्का नौकरी नहीं मिला। मिस्टर मनोहर लाल, जाने दीजिए, बेचारा बहुत दुखी है। नहीं, कोई बात नहीं, हमारे रहेगा तो हम इसके सारे दुख सुख में बदल देंगे। छोड़िए सेठ जी, अपनी तकदीर में सुख है कहाँ। देखिए ना, छोटी सी उम्र में बाप के होते हुए मैं यतीम बन गया। मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए लोगों की मजदूरियां की, उनके बर्तन कपड़े धो धोकर उसने मेरी पढ़ाई लिखाई की, और मैं हूँ कि उसके लिए। का खेल है बेटे,
ये कभी अपनों के हाथों रुलाती है और कभी गैरों के हाथों रुलाती है। इंसान तो मजबूर है, वो करी कह सकता है। खैर, तुम आज इस होटल के मैनेजर हो, यहाँ की हर चीज को अपना समझना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो शर्माना मत, आधी रात को मांग लेना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अंकल, आपकी आंखों में आंसू, आप रो क्यों रहे हैं अंकल? बेटी, आज मुझे मेरा बेटा मिल गया। सच? तो इसमें रोने की क्या बात है? कहाँ है वो? प्लीज मुझे उसे मिला दो ना, प्लीज। बेटी, मैं तुझे उससे मिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। तू उसे कभी कहना मत कि मेरा बेटा है और मैं उसका बाप हूँ। क्यों? वक्त ने उसे मुझसे बहुत दूर कर दिया है। उसके दिल में मेरी नफरत पैदा हो गई है। अरे नफरत में यो ठीक है, तुम चलो। नहीं, अभी नहीं, कहीं मैं दोबारा से खो ना बैठूं। वक्त का मरहम, जब तक उसकी नफरत को प्यार में बदल नहीं देता। तू उसे मत कहना कि मेरा बेटा है, मैं उसका बाप, मत कहना बेटी। अंकल, निशा निशा, कुछ मालूम पड़ा? सनी ने तेरे होटल में नौकरी कर ली गाने की, और आज रात को उसका शो है। तेरे को कैसे मालूम पड़ा? उससे अपना पिछला हिसाब दे चुकाना है। हसीन है और जवान भी है, जिसका इंतजार है वो कहाँ है? I'm not
से माफी मांगने आया हूँ। ये तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन तुम हमारी बस में घुसे थे। अरे मैं बेवकूफ उसी दिन को कोस रहा हूँ, ना उस दिन नाचता गाता और ना आज मेरा बैंड बाजा बजता। इतनी जल्दी घबरा गए? हमने तो तुम्हारी बारात निकालने का फैसला किया है। मैडम मेरी बारात निकालिए, जनाजा निकालिए, जिस्म से जान निकालिए, लेकिन इस कमरे से मत निकालिए, क्योंकि इस कमरे से निकल गया तो शिमला से निकलना पड़ेगा और शिमला मेरी जिंदगी का आखिरी स्टेशन है। आप जो जी चाहे सजा दीजिए, लेकिन नौकरी बचा लीजिए, क्योंकि मेरी माँ। तुम्हारी माँ है? हाँ हाँ अब तक तो है। अगर उसे मालूम पड़ गया कि मेरी नौकरी चली गई, शायद वो नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी हरकत नहीं करूँगा। सच कह रहे हो? 100%। अब मैं जा सकता हूँ? हाँ मगर मेरी नौकरी? पक्की? सच? 100%। थैंक यू थैंक यू। अबे खुल जाओ। आई लव यू। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ क्या बात सर जी? ये कुछ चेक साइन करवाने। बैठो बैठो। सेठ जी चेक पर साइन करने से पहले नाम तो पढ़ लीजिए। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम अगर किसी रोज ब्लैंक चेक पे भी साइन करवाओगे ना तो भी मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। थैंक यू सर। फिर मैं तो चाहता हूँ तुम इस कारोबार को अच्छी तरह समझ कर इसका चार्ज ले लो, फिर मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले करके रिटायर हो जाना चाहता हूँ। अंकल ऐसा
गजब मत करना, अगर आप रिटायर्ड हो गए तो कंपनी का बैंड बाजा बज जाएगा। हेलो निशा जी। हाय। अच्छा सुबह सुबह हुजूर की सवारी कहाँ जा रही है? माँ बदौलत अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर हवा से बातें करने जा रही है। तो हुजूर आप मेरी भी फरियाद सुनेंगी? हम आपकी फरियाद पर जरूर गौर करेंगे। ये शहर में नए आए हैं, जरा इन्हें शिमला दिखा लाइए। शिमला? ये भी कोई देखने की चीज है? ना किसी पे चले जाओ, शिमला ही शिमला है। सॉरी, चलिए सर जी, चलिए शिमला देखते हैं। चलिए ब्यूटीफुल, आपका शिमला बहुत खूबसूरत है। अच्छा है ना? अरे अरे देखिए, ओह गॉड, सुनील आई एम सो सॉरी। ओह बहुत इजाजी इस पर्सन की। ऑल राइट, कम ऑन, चलिए चलिए। आप क्या मोटरसाइकिल चला दिए, कमाल कर देती है। फैंटास्टिक मोटरसाइकिल राइडर। अरे रे रे, कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ नहीं नहीं निशा जी, बात यह है कि यहाँ की सड़कें बहुत टेढ़ी मेढ़ी है ना। हर कुछ बात नहीं, चलिए फिक्र मत कीजिए। चलिए चलिए, अभी असली शिमला दिखाती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। क्या बोल रहा है? वाह क्या मोटरसाइकिल चला दिया, तो कमाल कर देती। गाड़ी 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 गाड़ी। सॉरी, गाड़ी आ गई थी, लगी तो नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, अभी को ठीक हूँ। हाँ चलिए, शिमला तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। डोंट यू वरी, डोंट यू वरी। सुनो रॉबिन्सन, तुम निशा के साथ मोटरसाइकिल पर घूमने गया, उसने तुम्हारे साथ कुछ झगड़ा किया? अरे नहीं नहीं, निशा ने तो आपके बेटे को पहली नजर में दिल दे दिया। दिल दे दिया? क्यों? और फिर उसने मुझे अपने मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाया। बिठाया? और फिर मैंने अपने हाथ उसकी नाजुक कमर पर यूं डाल दिए। यूं डाल दिए, डाल दिए, डाल दिए। फिर उसने मुड़कर मेरी आंखों में देखा। देखा? मैंने उसकी आंखों में देखा। देखा? फिर उसने मेरी आंखों में देखा। देखा? जैसे कि लैला ने मजनू की आंखों में देखा था। देखाऊंगा देखाऊंगा। फिर? और फिर तेरी मोटरसाइकिल ने सड़क को नहीं देखा, पत्थरों को देखा, और मोटरसाइकिल पत्थरों में गया, और उससे पहले कि हम दोनों लुढ़क जाते, मैंने निशा को अपनी बाहों में लेकर। तुम निशा को अपनी बाहों में ले लिया? हाँ डैडी, सिर्फ बाहों में नहीं, बल्कि मेरी आंखें उसकी आंखों में थी, मेरे गाल उसके गालों पर थे, मेरे होंठ उसके होंठों पर थे, मेरा दिल उसके दिल पर था, और मेरा जी, आप यहाँ? मैं अंकल को ढूंढने आई थी, मैंने सोचा यहीं कहीं होंगे। यहाँ? जी नहीं, वो शायद अपने घर में होंगे या अपने होटल पर। बेवकूफा, समझदा क्यों नहीं, मैं तनु मिलन आई हूँ। बैठा ना तो बोल। मैंने उन्हें सब जगह तलाश कर लिया, मुझे वो कहीं नहीं मिले। बाय द वे, आप क्या कर रहे हैं? अपनी किस्मत नु कोस रहे हैं। जी मैं गीत लिख रहा हूँ। हाय मैं मर जावा, शारदा पुत्र लगता है। हाँ आप गीत भी लिखते हैं? जी हाँ, अक्सर अपने ही गीत गाता हूँ। देखो आप नहीं, इसमें कुछ नहीं है, अभी अधूरा है। सुनाइए ना, शायद मैं पूरा कर दूँ। जी नहीं जी, अपने अंकल को ढूंढने आई थी ना। उल्लू दे पठिया, मैं तेनु 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 मिलन आया। जी आपने कुछ कहा? मैंने जो कहा उसे भूल जाओ, जो कह रहे वो तो सुनो। वे सनी बेटे, लग रहा है कुड़ी नु प्यार हो गया है, उन नौकरी तो हाथ धोने पड़ने। क्या सोच रहे हो? जी अब मेरा रिहर्सल का टाइम हो गया, अब अभी मैं जाऊं। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरी तेरी बाय बुद्धू बेवकूफ। ये लो साथ। गुड गुलाम, इस अफीम के पैकेट के 10,000 रुपए। साथ
जब से आपसे दोस्ती हुई हमारा अफीम का धंधा खुद चल पड़ा। गुलाम हमारे साथ दोस्ती रखोगे तो तुम्हारा धंधा इससे भी ज्यादा चलेगा। जानते हो इतने से पैकेट के लिए बम्बई में मुझे 50,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा? ओके। सादिक घोड़ा ट्रेन हुआ? नहीं मैम साहब, एक महीना और लगेगा। एक महीना जी? इसे तो आप मैं ही ट्रेन साहब गुस्सा करेंगे। साहब से मैं बात कर लूंगी। चल हट सादिक। संभाल के मैम साहब, संभाल के। चल चल मेरे राजा चल। मानम की पता
हम दोनों की शादी की बात क्यों नहीं करते? कुछ सुना तुमने? कुछ सुना तुमने मैं क्या कह रही हूँ? सुना तो है लेकिन सोचने दो। कुछ सोचा? मैं पूछ रही कुछ सोचा? हाँ। क्या? माँ से पूछ कर बताऊंगा। तो प्यार भी माँ से पूछ के करना था, माँ का चमचा कहीं का? प्यार तो यूं ही आते जाते हो जाता है, लेकिन पार्टनर शादी की बात तो माँ ही करेगी ना। कब आएगी तुम्हारी माँ? वही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? यही कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ की सर्दी माँ को बर्दाश्त नहीं होगी, गर्मी वो वैसे ही नहीं सह सकती, बरसात में उसकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसके अलावा और कोई मौसम कब आएगा। दूसरा मौसम कभी नहीं आएगा। जरा सा मजाक भी नहीं समझते? अरे पगली, तुम्हारे लिए तो माँ हर मौसम बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन लेकिन मैं सोच रहा हूँ। इतना मत सोचो। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या सोच रहे थे? यही कि तुम अमीर हो और मैं गरीब सिंगर हूँ, ये रिश्ता तुम्हारे अंकल मंजूर कर लेंगे? कभी नहीं, वो तो मेरी शादी किसी लखपति के साथ करना चाहते हैं। ये सब प्यार करने से पहले सोचना था। प्यार तो यूं ही आते जाते हो जाता है, रही शादी ब्याह की बात, वो तो अंकल ही करेंगे ना, तो अंकल से पूछ कर आना था। अरे रे, तुम तो जल गए। अंकल की बात कर रही थी, रही मेरे दिल की बात। अगर तुम मुझे कुटिया में भी रखोगे तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी अपने दिल से मत निकालना। सच? सच। वंस मोर। अंकल तो ऊपर है? नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया था। मुझसे? मैं तो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ओह वेरी गुड, मैं भी शॉपिंग के लिए जा रहा था, चलिए साथ चलते हैं। लेकिन मैं तो लेडी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ओह वेरी गुड निशा, ये तो और भी अच्छा हो गया। लेडी शॉपिंग के लिए मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके साथ चलता हूँ। मर गए, मुसीबत। मुसीबत जी? आप नहीं, वो जूते वाला। एक महीने से मेरा जूता उसके पास है, जरा फोन करके मेरा जूता मंगवा दीजिए। वो लाग टालने की कोशिश करेगा, लेकिन आप जरा रूप से बात करना। फोन नंबर 323, जूता नंबर 13। जूता नंबर 13, सही नंबर 13। हाँ। और उसके बाद हम एक साथ शॉपिंग पे जाएंगे। गुड, और अब मैं रूप से बात करूंगा, जरा देखिए। 323, मैं निशा जी के घर से बोल रहा हूँ, उनका 13 नंबर का जूता जो आपकी दुकान पर है ना। कदा? जूते की दुकान नहीं, पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन? जूते की दुकान? निशा जी,
वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सुनील को अचानक हो क्या गया है। मिस्टर मनोहर लाल, तुम्हारे बेटे ने बहुत दारू पीना शुरू कर दिया है, वो एक दिन अपने आप को खेल कर लेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो शराब क्यों पी रहा है। देखो, बहुत से लोग बोर्न अनलकी होता है, तुम उनका लक चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यार तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? उसको अपने बाप का प्यार नहीं मिला, समझे? और जिसको प्यार करता है ना, वो भी उसके लक में नहीं है, समझ गए? वो जिसको प्यार करता है वो किसी दूसरे से प्यार करती है। तुमसे किसने कहा? सुनील ने अपनी आंखों से निशा और डैम फुल सिंगर को प्यार करते हुए देखा है। अब वो बॉटल का सहारा नहीं लेगा, दारू नहीं पिएगा, तो क्या करेगा वो? ये मैं क्या सुना हूं? क्या? कि तुम चुपचाप कर सनी से मिलती हो? मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे? मैं सनी से प्यार करती हूँ। शर्म नहीं आती मेरे सामने से बेहूदा बात करते हुए? मैं सोच भी नहीं सकता तुम उस घटिया दो कड़ी आदमी से प्यार करोगी। एक बात सुन लो, तुम उससे आज के बाद नहीं मिलोगी, और जहां मैं कहूंगा वहां तुम्हारी शादी होगी। जल्दी से अपनी माँ को बुलवा। एक मिनट, हुआ क्या? अंकल को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है, उन्होंने मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। अच्छा, गड़बड़ हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतनी जल्दी शादी कर लेंगे तो चुप चुप के मिलने का मजा कहाँ आएगा? तुमको तो मजाक सूझ रही है, अगर मेरी शादी कहीं और होगी तो बाद में पछताना नहीं। एक मिनट, जीने मरने की कसम तूने मेरे साथ खाई है, अभी किसी और से शादी कर लेगी? ये कैसे हो सकता है? देखो सनी, जल्दी से अपनी माँ को बुलवा लो। बुला तो लूंगा, लेकिन लिखूंगा क्या? लिखो, तुम्हें एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। अनाउंसमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम आया है। दोस्तों, आज मेरे लिए दुगनी खुशी का मौका है। पहली खुशी इस बात की कि आज निशा का जन्मदिन है, और दूसरी खुशी इस बात की कि मैं उसकी मंगनी सुनील के साथ कर रहा हूं। अंकल, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच एक बहुत अच्छा कलाकार मौजूद है। वैसे तो मेरे यहां एक मामूली सिंगर है, बहुत गरीब बेचारा, लेकिन भगवान ने इसी गले में सुरों की दौलत दे रखी है। मैं मिस्टर सुनील से गुजारिश करूंगा कि खूबसूरत संगीत सुनाकर इस महफिल की रौनक को दोबारा करें। यू मे बी रेड। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं, जो प्यार को खेल समझते हैं और तोड़ के दिल को हंसते हैं। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं, जो प्यार पत्थर दिल वाले बसते हैं। जाता था कभी
कसमों को निभाया जाता था जब वादे भुलाने से पहले खुद को ही भुलाया जाता था। अब कसमें कितनी झूठी है और वादे कितने सस्ते हैं जो प्यार को खेल समझते हैं और तोड़ के दिल को हंसते हैं। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं। अजीब प्यार सौदा दिलों का है जो ये व्यापारी क्या जाने। अजीब प्यार सौदा दिलों का है जो ये व्यापारी क्या जाने। ये प्यार तो अपनी पूजा है दौलत के पुजारी अपनी हर बात छुपाते हैं दीवानों के चिकरे कसते हैं जो प्यार को खेल समझते हैं और तोड़ के दिल को हंसते हैं। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं। सर जी आप यहां? मैं तुम्हें तुम्हारी अकलमंदी की दाद देने आया हूं। तुम अच्छे सिंगर ही नहीं अच्छे एक्टर भी हो। जी मैं समझा नहीं समझे अभी समझाता हूं। बंबई से शिमला आते वक्त बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे साथ थी। शक्ल अच्छी है किसी के साथ भी दोस्ती पैदा कर सकते थे मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उस भीड़ में सिर्फ निशा को चुना उसके साथ दोस्ती पैदा की क्योंकि वो करोड़पति लड़की है उसके पास बेशुमार दौलत है। जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल सही समझाऊं और यही तुम्हें समझाने हो कि अपने प्यार का ये ढोंग बंद करो अपना बोरिया बिस्तर गोल करो निकल जाओ यहां से। तुमने निशा के दिलो दिमाग में अपने प्यार का जहर भर दिया है। वो तुम्हारे प्यार की भाषा बोलने लगी है लेकिन जब तक मनोहरलाल जिंदा है तुम्हारे इस प्यार के ढोंग को जिंदा रहने नहीं देगा। मेरी बात पहले सुनो मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जिस चीज के लिए तुम यहां आयो या मेहनत की है वो चीज तुम्हें निशा की जिंदगी बर्बाद किए बगैर भी मिल सकती है। ये लो चेक जितनी दौलत की तुम मना लेकर तुम यहां आए थे या जो तुम्हारे प्यार की कीमत हो इसमें भरो एंड गेट लॉस्ट। के साथ मालिकों का इस तरह मिलना जुलना अच्छा नहीं होता मेम साहब। कहीं आपके अमीर अंकल ने देख लिया तो उस गरीब को नौकरी से भी हाथ धोने पड़ेंगे। सनी मुझे माफ कर दो बेटे के प्यार ने अंकल को अंधा कर दिया है लेकिन मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? मैंने घर छोड़ दिया हमेशा के लिए चलो कहीं भाग चले। भागकर चले जाएंगे तो तुम्हारे अंकल ये सदमा कभी सहन न कर पाएंगे। तो बोलो मैं क्या करूं? उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि शादी दो जिस्मों का मेल नहीं दो आत्माओं का मिलन है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं
तुम घर वापस लौट जाओ ताकि जमाना ये ना कहे कि गरीब गाने वाला दौलत के खातिर तुम्हें भगा ले गया। तुम चाहते हो ऐसा हो तो घर वापस लौट जाओ। सनी, अंकल बहुत जिद्दी हैं, वो हम दोनों के सपने कभी पूरे नहीं होने देंगे। अपने प्यार पर यकीन रखो, अगर प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। सच? तो वादा करो तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। सनी टीटा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो और क्या करती, तुम्हें इतने खत लिखे लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। और ये आप रॉबिन्सन से सुनील साहब कैसे बन गए? ये एक और कहानी है, तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। लेकिन रीटा, तुम्हें मेरे खत का एक दो दिन और इंतजार करना चाहिए था, मैं तो तुम्हें जवाब देने ही वाला था। और कितने दिन इंतजार करती? अब तो मेरे भाई को भी पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या, माँ बनने वाली हो? हाँ माँ, मैं, यू मस्ट मैरी मी। अब मुझसे ज्यादा देर इंतजार नहीं होता। तुम चुप क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे शादी करने से इनकार कर रहे हो? तेरे की पगली, भला मैं तुमसे शादी करने के लिए क्यों इनकार करने लगा? डार्लिंग, मैं तो अभी से शादी की धूमधाम के बारे में सोच रहा था। रियली? लव टू रीटा। अरे रॉबिन्सन, तुम यहाँ? हाँ मैम साहब, पहले ये बताओ क्या इसके साथ भी कोई चक्कर चला रखा है? क्या बकवास करते हो, बंबई में तो हर कॉलेज की लड़की के पास इनकी तस्वीर है। क्या गाता है, इज माय फेवरेट सिंगर, आई एम हिज फैन। रियली? अच्छा एक बात बताओ, तुम डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, डॉक्टर कहता है बच्चा 3 महीने का हो चुका है, अबॉर्शन नहीं हो सकता। अरे वो कोई अलाड़ी डॉक्टर होगा, मैं तुम्हें कल एक फर्स्ट क्लास डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, 2 मिनट में तुम्हारी प्रॉब्लम साफ कर देगा। नहीं डार्लिंग, कल मैं डॉक्टर के पास नहीं चर्च जाऊंगी। चर्च क्यों? शादी करने। शादी? हाँ डाली, अब ये पाप मुझसे ज्यादा देर नहीं छुपाया जाएगा। दर तेरे की रीटा, फिर वही घिसी पिटी बातें, ये जवानी के दिन है, ऐश करने के दिन है। और फिर सुनो, मैंने निशा के अंकल से करोड़ों रुपए की जायदाद हासिल करने का एक प्लान बनाया है, और अगर हमने शादी कर ली तो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, कल सुबह चर्च चलकर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हारा पोल खोल दूंगी। लालिंग तुम तो खामखा सीरियस हो गई, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम मुझसे या मेरी दौलत से प्यार करती हो, लेकिन आज यकीन हो गया कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। ओ रॉबिन्सन। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ सनी, ये जो लड़की बॉम्बे से आई है रीटा, उसे तुम जानते हो? हाँ मगर कोई खास नहीं सर, मैं बॉम्बे में स्टेज पर गाया करता था और वो मेरे प्रोग्राम देखने आया करती थी, बस यही, कोई खास मुलाकात नहीं। कोई खास मुलाकात नहीं, लेकिन खास मुलाकात के बिना लड़की के पेट में बच्चा कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर सनी, रीटा के कहने मुताबिक वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। What? वो बकवास कर रही है, वो झूठ बोल रही है, मैं अभी उसके पास जाता हूँ और पकड़ के आपके पास लेके आता हूँ। ये मामला गर्मी दिखाने का नहीं, जरा ठंडे दिल से काम लो। ठंडे दिल से काम लो? वो मुझे बदनाम कर रही है और आप कह रहे हैं। तो तुम बाद में होगे सनी, पहले हमारा होटल बदनाम होगा, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे जैसे लोग हमारे इस होटल में काम करते हैं। देखो सनी, बात सच है झूठ, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम बात बढ़ने से पहले इस मामले को आपस में बैठकर सेटल कर लो, जाओ। अच्छी बात है सर। पुलिस स्टेशन, देखिए माल रोड मीना कॉटेज में एक खून हो गया है। रीटा,
इंस्पेक्टर साहब, ये रहा खूनी का कमरा। डेन ऑफ द मर्डर। सर्च करो। ये रामलाल की बीवी है, यानी कि मेरी माँ। अंकल ये क्या है? अरे ये तो मेरी माँ की फोटो है, ये इस खूनी के कमरे में कैसे आई? साहब साहब, अरे इस पर सुनील लिखा है। क्या इंस्पेक्टर, ये ब्रेसलेट तो मेरा है, ये थोड़े दिन पहले मेरे घर से चोरी हो गया था। इसका मतलब अंकल, ये खूनी नहीं बल्कि चोर भी है। He is a dangerous man. आप फिक्र मत कीजिए सेठ मनोहर लाल जी, हम इस मामले की तह तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। थैंक यू। पुलिस स्टेशन? यस पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मैं सनी बोल रहा हूँ। सनी, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने वो खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। वही मैं तलाश कर रहा हूँ, सबूत मिलते ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा। थैंक्स गॉड। बाकी तो सब ठीक है विल्सन साहब, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, इसका भी इलाज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये क्या हो रहा है? तुम लोग जाकर देखो ये ऊपर हरामजादा है कौन। जाओ। आओ मेरे सर। वो देखो, पकड़ो इसे। चलो विल्सन साहब के पास ले चलो। अच्छा, तो ये वो खूनी है जो हमारे घर की तलाशी ले रहा था। साहब, इसे पुलिस के हवाले कर दे। नहीं 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 नहीं, हमारे घर के मामले पुलिस वाले काम, हम इसे अपने कैदखाने में रखेंगे। ले जाओ इसे। ले चलो। कांग्रेचुलेशन माय सन, तुम्हारी शादी की बातचीत निशा के साथ अब ऑलमोस्ट पूरा हो गया। डैडी, तुम क्या बात करता है, तुम हमको शादी की बातचीत का कंग्रेचुलेशन देता है, यहाँ शादी की बर्बादी का चिट्ठी आ गया है। क्या हुआ? यहाँ पर कोई दूसरा सुनील शर्मा पैदा हो गया है। अरे ये उसकी माँ का चिट्ठी है। तुम्हारे होते हुए दूसरा सुनील शर्मा कहाँ से पैदा हो गया? सुधा, सुनील शर्मा होटल सिंगर, उसके कमरे में रामलाल की बीवी का फोटो। इसका मतलब यह हुआ कि सुनील शर्मा रामलाल का बेटा है और उसकी मां यहां आ रही है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आप सनी की माँ है? हाँ। वो जरा काम से रुक गया है, उसने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। चलिए माँ जी, चलिए ना, आइए आइए। एक और हो जाए। आइए आइए। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? बताइए मेरा बेटा कहाँ है? माने का नमस्ते जी। नमस्ते जी। कितनी ममता है, कितनी तड़प है आपकी आवाज में, थोड़े दिनों के लिए ममता, ये तड़प मेरे बेटे को दे दीजिए। मतलब मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा
पिताजी कुछ बात करेंगे। हमने तुमसे कहा है थोड़े दिनों के लिए ममता मेरे बेटे को दे दो, यही समझ लो कि ये तुम्हारा सुनील है, तुम्हारा अपना बेटा। आशीर्वाद दीजिए। जी, मैं समझी नहीं। ये मैं बाद में समझा दूंगा, जब तक मैं पर्दा न गिरा लूं, ये माँ बेटे का नाटक, ये नकली नाटक थोड़े दिनों के लिए जारी रखो, नहीं तो मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम खुद ठहराई जाओगी। तो फिर चलिए बाकी बात भी समझा दें। आइए आइए माता जी, आप भी। वेरी गुड, कम ऑन। बुढ़िया, अगर तुम्हारे बुड्ढे ने तेरे आंसू देख लिए हैं तो फिर तुम अपने बेटे को कभी नहीं देख सकेगी। बाबा, अपने हाथ से थोड़ा खाना और खिला दे। रामलाल, वो देखो तुम्हारा बीवी तुम्हारा बेटा कितना प्यार से खाना खिला रही है। ऐसा मत करो मैं, तुम्हारा बेटा तुमको पसंद नहीं करता, अगर उसको मालूम पड़ गया तुम कातिल हैं तो घर छोड़ के भाग जाए। मेरी अच्छी बुढ़िया, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मजा आ गया। मैं कितना बदनसीब हूँ, आज मेरे पुराने पाप दीवार बनकर बीच में खड़े हुए हैं। मेरी बीवी मेरा बेटा सामने मन से मिल नहीं सकता। My friend, don't you worry, जब तक तुम्हारा दोस्त विल्सन जिंदा है ना, तुम देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा हम तुम तीनों को मिला कर रहेगा। Don't worry, come on, come on. अगर मुझे को मेरे मुंह में नहीं डाला ना तो समझ ले तुम्हारे बेटे को भी कुछ ना कुछ। चलो ड्राइवर, चलो भाई। हाँ हाँ मिस्टर मनोहर लाल, ये देखो ये सुनील और दिशा की शादी का इनविटेशन कार्ड है। किससे पूछ कर ये कार्ड छपाए हैं आपने? क्यों, अब ये ना बता के मुझे कार्ड छपाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? मुझसे राय ली आपने कि मैं सुनील से शादी करने के लिए तैयार हूँ या नहीं? नहीं तो फिर क्या करोगी? मैं इससे शादी हरगिज़ नहीं करूंगी, करूंगी तो सिर्फ सनी के साथ। आप चीख चिल्ला कर मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी हर बात मानी, आप मेरी एक बात नहीं मान सकते। लेकिन वो खूनी है, कातिल है, धोखेबाज है, भोली भाली लड़कियों की जिंदगी से खेलने वाला एक मुजरिम है। ये झूठ है, ये सच है। तुम उसे बेगुनाह समझ रही हो, तुम्हारे अंधे प्यार की जिद है। लेकिन मेरी भी सुन लो, मेरे जीती जी वो घर का दामाद नहीं बन सकता है, तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता है। तुम्हारी शादी अगर होगी तो सुनील के साथ, किसी और के साथ नहीं हो सकती। ये मेरी जिद है। मेरे बिजनेस सुन लीजिए, अगर मेरी शादी सनी के साथ नहीं हुई तो मैं मौत का हाथ थाम लूंगी, मगर किसी और से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। ये लीजिए। रॉबिन, ये तो मामला उल्टा हो रहा है। डैडी फिक्र मत करो, वो बुढ़िया कब काम आएगी? बेटी, बेटी, मैं बहुत दुखी औरत हूं। मैंने जिंदगी में कभी सुख पाया ही नहीं, सुहागन होते हुए भी विधवा की जिंदगी गुजारती आई हूं। आज वो मिले भी तो इस सूरत में कि मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। तुम्हारे अंकल मेरे पति हैं, लेकिन तेरी जिद मेरा सुहाग उजाड़ देगी, मेरा पति मुझसे छीन लेगी। मैं अपनी झोली फैलाकर तुझसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ, मेरा सुहाग बचा ले। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? ठीक है, एक काम कीजिए, मुझे जहर दे दीजिए, ना मैं रहूंगी ना मेरी जिद, आपका सुहाग भी बच जाएगा। लेकिन मैं अपने प्यार का खून करके सुनील से शादी नहीं करूंगी। नहीं बेटी, तू समझती क्यों नहीं, तेरी इज्जत के कारण ना तो वो रहेंगे ना ही तेरा प्यार जिंदा रहेगा, उसका भी खून हो जाएगा। क्या मतलब? तू जिसे प्यार करती है वो मेरा बेटा है, जिसका नाम सुनील है, जिसे लोग सनी कहते हैं। बेटी, ये सुनील तो नकली है। ये कैसे हो सकता है? अगर सनी आपका बेटा है तो अंकल उसके पिता हैं। ये कैसे बाप बेटे का रिश्ता है? अंकल तो उसे खूनी समझते हैं, अपने बेटे का हक छीनकर किसी और के बेटे के सर पर सहरा बांधना चाहते हैं।
तेरे अंकल को मालूम नहीं उनका असली बेटा कौन है, ये सिर्फ मैं बता सकती हूँ। इन लोगों ने मेरे बेटे को कैद कर रखा है और मुझे धमकी दी है, अगर हकीकत बता दूं तो मेरे बेटे को जान से मार देंगे। तो आप पुलिस को कैसे बताओ बेटी, मेरी एक एक हरकत पर उनकी नजर है, मैं एकदम मजबूर हो गई हूँ। अगर ये शादी नहीं हुई या कोई गलत कदम उठाया गया तो मेरे बेटे को ही नहीं मेरे पति को भी मार देंगे। बेटी अब फैसला तेरे हाथ में है। कन्या को बुलाइए। आज बेटे की शादी और तुम आंसू आ रही हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो खुशी का मौका है। आप लोग उठ जाइए। रोक दो ये शादी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बदमाश, तो फिर आ गए यहाँ पर? बदमाश मैं नहीं हूँ, बदमाश ये लोग हैं। ये सुनील शर्मा नहीं है, ये रॉबिन्सन है सेठ जी, मैं उसे। माँ, माँ, तुम यहाँ? माँ का नया ढंग शुरू कर दिया? हाँ, ये मेरी माँ है। माँ बता दे इन सबको कि मैं तेरा बेटा हूँ। अगर मैं पति और बेटी के समान की चाहती हो तो देखो मेरे आदमी भी खड़े हैं। नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो। माँ, नहीं माँ, माँ ये तुम क्या कह रहे हो? माँ नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो। माँ मैं, भाई साहब ये मेरी माँ है। माँ, माँ तो ये तेरी माँ है। सेठी मेरी बात, सेठी मेरी बात सुनिए प्लीज। ओ, तेरी माँ है अंकल। सेठी मैं झूठ नहीं बोलता, वो मेरी माँ जी। हाँ वो मेरी माँ है। सेठी बाप की कसम खा के बोल रहा हूँ, वो मेरी माँ है। सेठी नहीं, मेरी माँ है। हाँ हाँ हाँ, वो मेरी माँ है। तेरी माँ? रुक जाइए सेठ जी। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो रॉबिन्सन जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी और जिसका बच्चा मेरे पेट में है। क्या बकवास करती हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? इसका सबूत ये है कि ये अभी तक जिंदा है। गला दबाने से ये मरी नहीं थी बल्कि हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी। हम इसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और सेठ जी, ये विल्सन का बेटा रॉबिन्सन है। इन दोनों की गिरफ्तारी के वारंट मेरे पास है। क्या ये सच है? हाँ सेठ जी, ये बिल्कुल सच है। रुक जा। सेठ मनोहर लाल, ये सच है कि मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने पुलिस नहीं हटाई तो अपनी असली बीवी की जान से हाथ धो बैठोगे। रामलाल, तुम्हारा बीवी हमारे कब्जे में है। अगर तुम उसको छुड़ाना मांगता है ना तो आज शाम तक 20 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो। आई होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। डोंट बी स्मार्ट, और पैसा जहाँ भेजना है उसकी खबर तुम्हें मिल जाएगी। और जब तुम्हारा असली बेटा मिल जाए तो ये टोपी उसे पहना देना। कम ऑन डैड, कम डाउन। कोई हिलेगा नहीं। कमान ले रहे इंस्पेक्टर, अगर किसी होशियारी की तो अपनी जान से हाथों बैठेगा। कमान रॉबिन, कमान। कोई हिलेगा नहीं। नो शीज नो। छोड़ दो, छोड़ दो।
डैड गोलियां खत्म हो गई। गुलाम इस बुढ़िया को अंदर ले कराओ। अच्छा हरि अब कमन चल छोड़ दो चल छोड़ दो मुझे बुढ़िया चल छोड़ दो चल चल सनी, वो अकेला और ये सारे चलो अपने साथियों को जाकर बताते हैं। चलो ए, वेट 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 क्यों क्या हुआ? अपने सनी की जान वहां पे खतरे में, सब लोग मिलकर उसे मार रहे हैं। क्यों ना हम सब मिलकर अपने साथी की जान बचाएं? चलो रॉबिन्सन साहब, सनी के कुछ दोस्त मोटरसाइकिल पे आए हैं और हमारे आदमियों को मार रहे हैं। अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो निशा के साथ साथ अपने आप को मेरे आदमियों के हवाले कर दो। हाँ हाँ सरेंडर करते हैं। नहीं सनी बेटे, तू मेरी फिक्र मत कर। रॉबिन्सन साहब, सनी सरेंडर हो गया। That's like a good boy. गुलाम? Yes, boss. निशा को हमारे चैल वाले गोडाउन में ले जाओ और सनी तुम अपने बाप से 20 लाख रुपए लेकर आओ और अपनी माँ शुका और माँ को यहाँ से ले जाओ। बताओ मेरी माँ कहाँ? मुझे नहीं मालूम। बताओ मुझे नहीं मालूम। बताओ अभी बता दो, अभी बताता हूँ। देखने में किस जगह? इस मकान के पीछे घास के नीचे। Thank you.
मेरा बेटा तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ले जाओ इन्हें। डैड, हाँ, कम ऑन। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, दो मिनट आपसे बात करनी है। बेटा, मैं तुम्हारा तुम्हारी माँ का कसूरवार हूँ। बहुत दुख दिए मैंने तुम दोनों को। मैं इस लायक तो नहीं हूँ। लेकिन अगर हो सके, अपने इस बाप को बेटे और बहू का ख्याल रखना। इंस्पेक्टर साहब, आज से 20 साल पहले आज सच बोल लेने दो। 20 साल पहले श्यामलाल का जो खून हुआ था वो मेरे हाथ हुआ था। हाँ, मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। अच्छा बेटे, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम।